हुजूर ने मुझे हुक्म दिया, ए अबू जर, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरना। हम कितने ऐसे काम हैं कि वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर ना किया तो लोग क्या कहेंगे, और कई ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे कि अगर हमने किए तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जो एक रवश है ना कि लोग ही की आखड़ गए, तो ये जिंदगी को इसने मुश्किल बना दिया हुआ है, जिंदगी को औखा कर दिया हुआ है। हमारी मुआशरती जिंदगी भी औखी, हमारी रूहानी जिंदगी भी तलख, और कई कई मुसीबतें। ये शादियां करते हैं तो कितने काम हम इसलिए करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, कर्जा उठा के भी करते हैं, अगर ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, शरीक क्या कहेंगे। तो शरीकों को राजी रखने के लिए जो कभी रह सकते ही नहीं, आप अपनी जान भी वार दें, भला शरीक राजी रह सकता है? तो वो तो राजी रहेगा ही नहीं, तो फिर आपको मुसीबत में अपने आप को क्यों डाला हुआ है। जिंदगी सौखी करें, जो अल्लाह का हुक्म है, जो उसके रसूल का हुक्म है, बस उसको ही फॉलो करें। तो कहा, ए अबू जर, अल्लाह के लिए किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरना, कोई कुछ भी कहता रहे, तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है। कहते हैं कि हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाया कि ए अबू जर, कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो, कसरत के साथ इसका वजीफा किया करो। फइन्नहुन्ना मिन कंज़िन तहतल अर्श, अर्श इलाही के नीचे एक खजाना है, ये कलिमात उस खजाने से आए हैं। ला हौला वला कुव्वता, बल्कि एक हदीस में आता है कि ये कलिमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 99 बीमारियों का इलाज है। कितनी बीमारियों का? 99 बीमारियों का। उनमें सबसे एक कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। अगर वहम पैदा हो जाए और तबीयत के अंदर वो अनजाना सा खौफ पैदा हो जाए, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ें तो आपका वो हम और आपका वो गम खत्म हो जाएगा। इसी तरह बाज लोगों को वसवसे आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, तो अगर वो रोजाना मगरब की नमाज के बाद 450 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ें और 7 दिन तक मुसलसल पढ़ें, नागाना करें मगरब की नमाज के बाद, तो इंशाल्लाह काफी अफाका हो जाएगा और वसवसे आने खत्म हो जाएंगे। तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये वजीफा रसूलुल्लाह ने दिया है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे इफ़ादा नास के लिए ये वजीफा लोगों तक पहुंचाया। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमत करम नवाजियों से माला माल फरमाए।